बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मायोफिब्रल्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो उसमें एक हमने थीम बनाया था कि जो स्केलेटल मसल है वो टिशू है, वो मसल सेल से मिलकर बने होते हैं और मसल सेल को हमने एक और नाम दिया था मसल फाइबर। आगे उस मसल फाइबर यानी मसल सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मायोफिब्रल्स कहलाते हैं। कुछ करैक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मायोफिब्रल्स के डिस्कस किए थे कि इनका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, उसके बाद ये पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं, इनकी इर्द गिर्द सार्कोलीमा लिपटी हुई होती है। ये कुछ करैक्टर है जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। आज हमने मज़ीद इसकी डिटेल डिस्कस करनी। अच्छा, मायोफिब्रल्स, सबसे पहले मायोफिब्रल्स भी छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइडेड है। उस छोटे से मायोफिब्रल्स के उस छोटे से पोर्शन को सार्कोमियर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सार्कोमियर। और सार्कोमियर मायोफिब्रल्स का वो पोर्शन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट होती है। यानी जब सार्कोमियर एक मायोफिब्रल में पाए जाने वाले जितने भी सार्कोमियर्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो पूरा मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जब काफ़ी सारे एक मसल सेल में पाए जाने वाले मायोफिब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो पूरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। और जब काफ़ी सारे एक स्केलेटल मसल में काफ़ी सारे जो मसल सेल्स होते हैं या मसल फाइबर्स होते हैं तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। यानी आप कह सकते हैं कि मायोफिब्रल्स का वो छोटा पोर्शन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, उसको सार्कोमियर कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है मायोफिब्रल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। यानी मायोफिब्रल्स का वो हिस्सा जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत, सबसे छोटा हिस्सा जिसमें मुकम्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, वो सार्कोमियर कहलाते हैं। उसके बाद स्केलेटल मसल्स की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो स्ट्राइएटेड होते हैं, उनमें लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड होते हैं। तो ये लाइट और डार्क बैंड बेसिकली मायोफिब्रल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पूरा मायोफिब्रल्स ड्रा किया है तो इसकी अलॉन्ग द लेंथ पूरे आप इसकी लेंथ वाइज अगर इसको देखें तो इसमें एक लाइट बैंड होगा, इसमें एक डार्क बैंड होगा, इसमें एक लाइट बैंड होगा, डार्क बैंड होगा, लाइट बैंड होगा, डार्क लाइट, और ये बड़े सीक्वेंस के साथ एक लाइट आएगा फिर डार्क आएगा फिर लाइट आएगा फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क ऐसे चलेगा। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ सार्कोमियर्स होते हैं तो वहाँ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं और एविडेंट ये वाजे नज़र भी आते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ मायोफिब्रल्स और पूरी लंबाई के रुख ये होते हैं। दिस गिव सेल और इसी वजह से इन मायोफिब्रल्स में ये जो डार्क और लाइट बैंड होते हैं इस वजह से जो पूरा सेल है वो हमें इसी तरह की स्ट्राइएशन में नज़र आता है, स्ट्राइएशन धारियों में नज़र आते हैं। दिस गिव सेल एज ए होल स्ट्राइएटेड अपीयरेंस और ये आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल की एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक है कि इसमें रेगुलर स्ट्राइएशन होती है। अब रेगुलर स्ट्राइएशन का मतलब कि तरतीब से काम हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा भी इनके हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स को कि डार्क बैंड और लाइट बैंड में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड को एक और स्पेशल नाम दिया गया है, इसको ए बैंड भी कहा जा सकता है। ए का क्या मतलब है? ए एनिसोट्रोपिक से निकला है और एनिसोट्रोपिक वो चीज़ होती, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को पोलराइज़ करे वो एनिसोट्रोपिक कहलाती है। लाइट की पोलराइजेशन से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, इससे मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। अगर हम यहाँ कोई सरफस लगा दें और इस सरफस में एक सुराख हो तो यहाँ सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट आएगी, बाकी किसी भी डायरेक्शन की लाइट नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो ये जो काम हुआ है कि जिसमें सिंगल डायरेक्शन की लाइट को अचीव किया गया है ये पोलराइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सामने कोई सरफस रख दें तो ये जहाँ से लाइट पास करेगी वो हिस्सा तो ब्राइट नज़र आएगा और बाकी सारा हिस्सा क्या नज़र आएगा? डार्क नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से डार्क बैंड की ये प्रॉपर्टी ये है कि इसके एक छोटे से हिस्से से लाइट गुजरती है, इसके अलावा किसी और हिस्से से लाइट नहीं गुजरती। तो जिस हिस्से से लाइट नहीं गुजरेगी वो हिस्सा डार्क नज़र आएगा और जिससे लाइट गुजरेगी वो हिस्सा ब्राइट नज़र आएगा। इस वजह से अगर हम देखें जब डार्क बैंड को देखते हैं तो दरमियान में सेंट्रल पोर्शन हमें लाइट नज़र आते हैं, ठीक हो गया। और इस सेंट्रल पोर्शन को जो डार्क बैंड में एक सेंट्रल पोर्शन ब्राइट नज़र आ रहा है इसको एच जोन कहा जाता है, एच जोन ऑफ द डार्क बैंड या एच जोन ऑफ द ए बैंड, ठीक हो गया। अब एच से क्या मुराद? एच वर्ड हेले से निकला है जिसका मतलब है ब्राइट, चमकता हुआ,
यानी काले हिस्से में एक चमकता हुआ पोर्शन, ठीक हो गया। ए बैंड हैज लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन, तो ए बैंड के दरमियान में एक लाइटर स्ट्रिप होती है, लाइन होती है। वजह क्या है, ये वो जगह है जहाँ से लाइट पास कर रही है। इसकी भी रीज़न अभी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लाइट क्यों पास करती है। और फिर अब एच जोन के दरमियान में एक लाइन नज़र आती है, इस लाइन को एम लाइन कहा जाता है। यानी एच जोन दो हिस्सों में डिवाइडेड है तो एक लाइन के ज़रिए से, जिसको क्या कहा जाता है, एम लाइन कहा जाता है। तो एच जोन इज़ बाइसेक्टेड बाई एम लाइन, तो ये एम लाइन। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद जो लाइट पोर्शन है, लाइट पोर्शन बेसिकली वो पोर्शन है जिससे लाइट गुजर सकती है, ठीक है। इस वजह से हमें लाइट नज़र आते हैं। कोई चीज़ डार्क उस वक्त नज़र आती है जब उससे लाइट नहीं गुजर सकती, तो उसके अपोजिट जो चीज़ें हैं वो हमेशा डार्क होंगी। अगर लाइट गुजर सकती है, जैसे उंगलियों से लाइट गुजर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें ब्राइट। तो ये वो पोर्शन है जिससे क्या गुजर सकती है, लाइट गुजर सकती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है ये लाइट बैंड है। और ये आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि इसकी पूरी सरफेस से लाइट गुजर रही है, तो इट कैन नॉट पोलराइज द लाइट, ये लाइट को पोलराइज नहीं करता। तो इस वजह से इसको आइसोट्रोपिक भी कहा जाता है, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है कैन नॉट पोलराइज द लाइट। और जितने भी हमारे पास आई बैंड है उनके दरमियान में भी एक लाइन होती है, जैसे मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, तो इन लाइन को जी लाइन कहा जाता है। जी जविशन से निकला है, जविशन। जविशन का मतलब क्या है, बिटवीन, के दरमियान में एक लाइन मौजूद है, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि एक रेड लाइन जो जी लाइन है, ये भी जी लाइन है, ये भी जी लाइन, तो दो जी लाइन के दरमियानी पोर्शन मायोफिब्रल का वो छोटा पोर्शन है जिसमें बाकायदा मुकम्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। और इस पोर्शन को हमने फिर कहा था ये सार्कोमियर है। तो सार्कोमियर की एक डेफिनेशन हमारे पास और भी आ गई कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव। कंजेक्टिव से क्या मुराद है कि जैसे हमारे पास ये काफ़ी सारी जी लाइन है, तो जो एक दूसरे के साथ साथ लाइन होगी वो कंजेक्टिव लाइन कहलाएंगे। तो सार्कोमियर को डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव लाइन ऑन मायोफिब्रल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के दो डेफिनेशन आ गई, द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव जी लाइन ऑन द मायोफिब्रल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम मायोफिब्रल्स का यानी इसका माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें मज़ीद छोटे छोटे धागे होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बहुत बड़ी, एक बहुत मोटी रस्सी हो, अगर उसको गौर से देखा जाए उसमें बारीक बारीक काफ़ी सारे धागे होते हैं। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये एक मोटा मोटी रस्सी है और इसके अंदर बारीक बारीक धागे होते हैं। उन धागों की दो टाइप्स हैं, कुछ थोड़े मोटे होते हैं, कुछ थोड़े बारीक होते हैं। तो मायोफिब्रल्स को जब अल्ट्रास्ट्रक्चर इसका देखें, अल्ट्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मायोफिब्रल्स में मज़ीद थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, ठीक हो गया। थिक फिलामेंट क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको थिक फिलामेंट कहा जाता है। और थिन फिलामेंट चूँकि इसका डायामीटर कम होता है, 7 to 8 nanometer, तो इस वजह से इसको थिन फिलामेंट कहा जाता है। अच्छा, इसकी लोकेशन, लोकेशन से क्या मुराद है। जैसे मैंने एक छोटा सा ना दो जी लाइन ड्रा की है, एक छोटा सा सार्कोमियर ड्रा किया, तो सार्कोमियर में लाइट बैंड का आधा हिस्सा इधर होते हैं, लाइट बैंड का आधा और डार्क बैंड मुकम्मल होते हैं। अगर आप देखें यहाँ हमने जो डिस्कस किया, एक जी लाइन ये, एक जी लाइन ये, तो इधर से भी आधा लाइट, इधर से भी आधा ही, और डार्क बैंड इसमें क्या होते हैं, मुकम्मल होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसमें फिलामेंट नज़र, फिलामेंट की अरेंजमेंट नज़र आती है। आसानी के लिए फिलामेंट मैंने इस तरह ड्रा की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये जी लाइन है, उसके बाद जो डार्क पोर्शन है ये डार्क बैंड है, और इसके अंदर जो मैंने ग्रीन बाउंड्री के अंदर ड्रा किया है ये एफ जोन है, और इसके अंदर एक लाइन है एम लाइन, ठीक है। तो थिक फिलामेंट हमेशा डार्क बैंड वाले पोर्शन में होते हैं, यानी इसको जूम करके जब देखा जाए तो ये छोटे छोटे फिलामेंट नज़र आते हैं। तो जो हमारे पास थिक फिलामेंट है, इस वजह से मैंने जो डार्क बैंड बनाया, इसके नीचे जो रेड कलर का फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट है, ठीक है। तो अगर देखें तो जहाँ डार्क बैंड एंड हो रहा है वहीं आप कह सकते हैं थिक फिलामेंट भी
एंड हो रहे हैं। तो इसकी लोकेशन इस वजह से कहा जाता है लोकेशन इंटायरली लेंथ ऑफ डार्क बैंड। तो ये सिर्फ डार्क बैंड में होते हैं। उसके बाद कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन होती है जिसको मायोसिन प्रोटीन कहते हैं, और मायोसिन प्रोटीन में फिर दो चेन होती हैं और वो दोनों चेन एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती हैं, यानी इस तरह एक चेन ये, एक चेन ये, दोनों एक दूसरे के, और इसकी जो टेल है उसके ऊपर दो ग्लोबुलर हेड होते हैं, ऐसे ग्लोबुलर हेड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो कंपोजिशन में मायोसिन कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड क्वाइल अराउंड ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर इसकी क्वाइलिंग होती है। तो ये इसकी कंपोजिशन आ जाती है। अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें द टेल टर्मिनेटेड इन टू टू ग्लोबुलर हेड, जो इसकी टेल है उसके इर्द गिर्द दो ग्लोबुलर हेड लगे। अच्छा, इन ग्लोबुलर हेड को क्रॉस ब्रिज भी कहा जाता है, इसको क्रॉस ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है हेड कॉल्ड क्रॉस ब्रिज, क्योंकि इसने दोनों फिलामेंट, थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ अटैच करना है। तो हेड कॉल्ड क्रॉस ब्रिज बिकॉज दे लिंक थिन एंड थिक फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। डायमीटर इसका 16 नैनोमीटर है, लोकेशन इंटायर लेंथ ऑफ डार्क, सिर्फ डार्क बैंड में होती है, कंपोजिशन मायोसिन प्रोटीन, और मायोसिन प्रोटीन जो है वो आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड की चेन्स है, तो इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। थिन फिलामेंट की अगर हम बात करें तो डायमीटर 7 to 8। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, इसका कुछ पोर्शन ए बैंड में है, कुछ पोर्शन आई बैंड में। कैसे? जैसे ये जो ब्लू लाइंस हैं ये शो कर रही हैं थिन फिलामेंट्स को। तो अगर देखें ये आई बैंड में इसका कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन इसका डार्क बैंड में है। आई बैंड डार्क बैंड, आई बैंड डार्क बैंड। तो ये इसकी लोकेशन है, पार्टली इन ए बैंड और पार्टली इन आई बैंड। आगे इसमें तीन किस्म के प्रोटीन होती है थिन फिलामेंट में। जो ज़्यादातर प्रोटीन होती है उसका नाम है एक्टिन प्रोटीन, और ये बिल्कुल इसी तरह अरेंज होती है जैसे हीरों का हार हो या तस्बीह के दाने हो। इसमें गोल गोल मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं और दो चेन्स होती हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं। इस वजह से मेंशन किया, एक तो चीफ प्रोटीन, इस वजह से इसका नाम एक्टिन फिलामेंट भी है क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन इसमें कौन सी है, एक्टिन है। और थिक फिलामेंट में चूँकि सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, इस वजह से इसको मायोसिन फिलामेंट भी कहा जाता है। तो चीफ प्रोटीन एक्टिन है, कंसिस्ट ऑफ टू चेन, अरेंज लाइक ए डबल स्टैंड ऑफ पल्स, जैसे फारी हीरों का डबल स्टैंड होता है, उसको अगर इस तरह लपेट दिया जाए दोनों स्टैंड्स को, तो ये एक्टिन प्रोटीन उस तरह की लुक शो करती है। जो ट्रोपोमाइसिन है वो धागों की तरह इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, ऐसे धागों की तरह इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती। तो इसमें भी दो चेन्स होती हैं और दोनों अराउंड द एक्टिन, एक्टिन के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती। जबकि अगर हम ट्रोपोनिन की बात करें तो ये सिर्फ तीन पॉलीपेप्टाइड के मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, और इस तीन पॉलीपेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होते हैं, और एक ने कैल्शियम के साथ अटैच होना होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त स्टार्ट होगी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब पूरा मैकेनिज्म, कि जिस वक्त हमारे पास कैल्शियम आयन आते हैं तो कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो तीन कॉम्प्लेक्स पर ट्रोपोनिन मुश्तमिल होती है, उस कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक हिस्सा ट्रोपोमाइसिन के साथ, और एक हिस्सा कैल्शियम के साथ बाइंड होगा जब कैल्शियम आयन आएंगे, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा, अगर अरेंजमेंट की बात करें तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन दें, यानी ये जो हमारे पास है इसका अगर क्रॉस सेक्शन सामने से देखें, ऐसे सामने से, तो हमारे पास छः एक्टिन एक मायोसिन फिलामेंट के इर्द गिर्द अरेंज हमें नज़र आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है कि छः मालिक्यूल छः फिलामेंट एक्टिन के और दरमियान में एक मायोसिन का फिलामेंट होता है, ये इनकी अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब एक जो आखिरी बात हमने डिस्कस करनी कि ये जो एच जोन क्यों बनता है, ठीक है, ये आई बैंड क्यों है, ये डार्क बैंड क्यों, और डार्क बैंड में एच जोन क्यों बनते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। दो जी लाइन के दरमियान का जो फासला है वो सार्कोमियर कहलाता है। अगर आप देखें कि ये अरेंजमेंट, ये जो वाइट पोर्शन है ये जगह खाली है, तो खाली जगह से लाइट पास करेगी, इसके पीछे से देखेंगे तो ये पोर्शन हमें ब्राइट नज़र आएगा, लेकिन इतना हिस्सा इसमें दोनों फिलामेंट एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि दरमियान में कोई गैप बचता ही नहीं है, ऐसे। तो ये हिस्सा जब दरमियान में कोई गैप ही नहीं होगा तो ये डार्क नज़र आएगा। फिर अगेन अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है,
दरमियान में स्पेस नज़र, जहाँ भी स्पेस होगी वहाँ से लाइट पास करेगी और ये पोर्शन क्या बन जाएगा, एस जोन बन जाए। लेकिन अगेन फिर यहाँ देखें, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट इस तरह है कि दरमियान में कोई जगह ही नहीं है, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डार्क होगा इसी तरह ये, और दरमियान में ये जो खाली जगह है इस वजह से ये पोर्शन वाइट होगा, यहाँ भी खाली जगह इस वजह से ये पोर्शन भी क्या होगा, ब्राइट होगा। तो ये रीज़न्स हैं कि ये हमें इस तरह क्यों नज़र आता है कि एक पूरा बैंड हमें ब्राइट नज़र आ रहा होता है, फिर दरमियान में डार्क, और डार्क बैंड के अंदर भी हमें वाइट पोर्शन नज़र आता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में रखनी है, क्योंकि जो अगला टॉपिक वो इसी से रिलेटेड है। अगर ये चीज़ें आप लोगों को तैयार हैं तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक है उसको समझने में भी बड़ी आसानी होगी। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़।